डोकलाम में भारत की सेना ने चीन की दादागिरी का जो दबाव दिया है उससे चीन तो परेशान है ही, अब उसके पुछलगू पाकिस्तान को भी इससे तकलीफ होने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने डोकलाम विवाद पर ऐसा बयान दिया है जिससे हर भारतीय का खून खौल जाएगा। हाल ही में एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए मुशर्रफ ने डोकलाम विवाद पर कहा, भारत को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इनको जूते पड़े थे 1962 में जब इनके पूरे लोगों ने ही हाथ खड़े कर दिए थे और इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी इन्हीं पहाड़ों में। अब इनके एरिया में ये गड़बड़ दोबारा हो रही है तो इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इनको वहाँ फिर मार पड़ेगी। ये बिल्कुल काबिल नहीं है कि उधर चीन का मुकाबला करें, इसलिए उनका जो कुछ भी वहाँ है उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। मुशर्रफ की इस बात का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि मुशर्रफ ने आगे क्या कहा। मुशर्रफ ने कहा, जितने भी विवाद होते हैं उनका हल गिव एंड टेक से होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारा हमारा इलाका है और इसका एक इंच हमें नहीं देना है और दूसरा पक्ष भी यही करता है तो फिर कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप खुले दिमाग के साथ जाते हैं कि हमें कुछ देना पड़ेगा और कुछ लेना पड़ेगा तो हल मिल जाता है। अब हमारी बात, मुशर्रफ साहब पहले तो आपकी सलाह की हमें जरूरत नहीं है, सलाह देनी है तो पाकिस्तान को दीजिए कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाना बंद करे। और हाँ, जब तक सवाल हिंदुस्तानी फौज की ताकत का है तो 1999 का कारगिल युद्ध याद कर लीजिए, उस वक्त आप ही पाकिस्तान के सेना के प्रमुख थे। भारतीय सेना ने जो सबक आपको सिखाया वो आप आज तक नहीं भूले हैं और अब भी चीन का सहारा लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। NMF News की रिपोर्ट।